और क्या ना करूं अपना मजा है ये जो है ना मतलब ये मछली ना गर्मी की वजह से नहीं है बल्कि ये चाचा कभी बना पाकिस्तान शो और खाएंगे सुपर बन कबाब यहाँ के स्पेशल हैं और वाकई स्पेशल से कि वो बिल्कुल उनकी बनावट जो है और बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो टेस्ट अभी देखेंगे ना, मतलब पहले यहाँ के शशके देखें कि बनता कैसे और ऊपर क्या अच्छा नई चीज है सर। और ये एरिया कौन सा है सर? पाकिस्तान चौक। पाकिस्तान चौक, पाकिस्तान चौक है, सुपर बहुत मशहूर है, बहुत मजे के होते हैं, हम हर फ्राइडे को यहाँ पर खाने आते हैं। आप माशाल्लाह मेहमान आए तो हमने कहा चलो आपको यहाँ पर लेकर आए। जबरदस्त है, टेस्टी होता है, हर चीज अच्छी होती है माशाल्लाह। तो ये जो है ये डबेट की वगैरह हमारे पास जो आएगा वो सारी चीज़ें अलग अलग होगी, कबाब अलग होगा, बंद अलग होगा, चटनी अलग होगी, उसका अपना पता है खाने का। अच्छा जो ये बन गए हमारे पास, ये दो चीज़ आएंगे अलग, एक बंद आएगा अलग, चटनी आएगी अलग और उसका अपना मजा है। मसाले वाली नहीं होनी चाहिए, बीफ बीफ बनाना, बीफ बनाना कस्टमर और मसाला ना होने के बराबर, क्योंकि नहीं खाएंगे मेहमान आए हुए, ठीक है। सुपर बन कबाब है, सुपर बर्गर, और साथ में हमने बिरयानी मंगवाई है तो हलीम भी है, हलीम और हलीम भी है, देखने में तो बिल्कुल ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यकीनन मतलब उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि मेरे लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर आ गया है, ये इसमें है बन कबाब, बन कबाब ये बन है, सही ये कबाब है सारे, दो सही चटनी है और ये कबाब है इसके साथ, ये अलग देते हैं आप इसको, जैसे सालन रोटी खाते हैं वैसे आप खाएं, एक बर्गर होता है बन कबाब हो रहा है, पूरा कबाब भी उसी में, बन भी उसी में, इसमें चीजें अलग है, इसका अपना मजा खा रहे हैं। तो इसके साथ है ना मतलब ये कि हमने इसको देखे खाने का तरीका, उठाया अपना थोड़ा इसमें थोड़ा और ये कबाब थोड़ा अलग कर और थोड़ी घी के साथ योग किया और चटनी लगाई, चटनी देख लीजिएगा कि मिर्च ना लगे। ये जो है ना मतलब हमारा बन गया, और ये जा रहा जनाब, ये गया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह, हम घरों में बनाते हैं बेहतरीन हो गया। एक चीज मैं रिग्रेट कर रहा हूँ और वो है अपना कैमरा ना लाकर, जिसमें ये जो बन है ये बन भी इन्होंने बाकायदा फ्राई किए हैं और बन भी स्पेशल किस्म के हैं, आम वो बर्गर वाले बन नहीं है, कोई हो ये तो और भी आ गए, तो ये बन भी उन्होंने फ्राई किए उसी तेल में या घी में, उसकी वजह से जो है ना उसका भी एक जो अपना वो फ्राइड बन या टोस्ट होता है उसका टेस्ट भी इसमें आ जाता है। लेकिन ये जो है ये लाजवाब है, इसके साथ खासकर ये जो चटनी की कम्बिनेशन है, अनारदाना भी मेरे ख्याल इसमें है, टमाटर भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत मज़े की आ गई। ये आ गई सुपर की स्पेशल हलीम और ये आ गई इसमें बड़ी मेहरबानी है स्पेशल हलीम, लेकिन माशाल्लाह से इसमें जो मिर्चें हैं वो इल्ला माशाल्लाह, देखें खाते कैसे हैं।
ये मतलब एक पॉइंट बन गई बीफ हली में। पसीना आप देख रहे हैं ये गर्मी की वजह से नहीं है, कराची में गर्मी है एज कम्पेयर टू पिशावर, लेकिन ये पसीना गर्मी की वजह से नहीं है बल्कि ये माशाल्लाह से इतना स्पाइसी है कुछ ही ये हाल हो गया, लेकिन बहुत मज़े की है। बाकी बन कबाब टॉप ऑफ द लिस्ट है, बिरयानी का अपना मज़ा है, हलीम का अपना मज़ा है, लेकिन क्योंकि मैं थे वैसे खा नहीं सकता, बहुत मज़ा है, स्पाइसी है, बहुत मज़ा है। थैंक यू सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, सारा पुराना है घरों की हालत देखे, ये पुराने जमाने के बने बिल्कुल, ये बहुत गरीब सदर से मंचरामदान चौक से यहाँ से शुरू हुआ था कराची, देखे ना बिल्डिंग किस तरह से बनी, सारे यहाँ पर जो पहले से रहते थे यहाँ पर लोग, वो फिर इंडिया से जो आए लोग वो सारे उधर इन्हीं जगहों पर आके आबाद हुए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये हमारे भाई पिशावर से आए हैं 30 साल बाद। ये एक एरिया है पाकिस्तान चौक और अभी हमने यहाँ पर खाए बन कबाब, सुपर बन कबाब, सुपर बिरयानी, सुपर हलीम, बहुत मज़े के थे। तो अभी यहाँ से आगे जाते हैं, हमारे ये दोस्त हमारे साथ हैं, वही हमें सारे मतलब के ले जा भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। ये हमारे हैं जिटल साहब और ये कमर शाह साहब जो हमें गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ सर, ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। आपको पुरानी जगह लेकर आए हैं जब कि पाकिस्तान बना था ना। नहीं बिल्कुल, ये बिल्डिंग्स जो हम देख रहे हैं वो सारे जो है ना मतलब है कि इवन के हिंदुओं के नाम अभी तक भी लिखे हुए हैं और इंडियन नाम लिखे हुए हैं, हिंदुआना नाम लिखे हुए हैं, बहुत पुराने यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो पुराने ही रह रहे हैं। पाकिस्तान चौक का इलाका है, पुराना इलाका है। ठीक, ये देखिए ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये हमें यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ मिली है, रसबरी, और मैं समझा था ये खट्टी होगी लेकिन ये इसमें जो है ना सर ये इसमें कवर्ड है, ये अंदर से निकल आई, बहुत टेस्टी है।